जुलाई माह राशिफल 2023 ग्रह गोचर का बड़ा खेल। ग्रह चाल से जुड़े परिवर्तन। अब की बार सेहत कैसी रहेगी? बैंक बैलेंस में होगा कितना इजाफा? क्या संबंधों में बढ़ेंगी नजदीकियां? क्या कुछ पाएंगे और क्या खोएंगे? कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे? अब की बार किस्मत देगी कितना साथ? जुलाई के 31 दिनों का भविष्यफल देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों का देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से हार्दिक अभिनंदन और सादर नमस्कार। हमेशा की तरह इस महीने भी आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहते हैं आपका जुलाई माह का मासिक राशिफल 2023। आपको बता दें कि इस बार जुलाई की शुरुआत मंगल के महागोचर से हो रही है और ऐसे में बाद में फिर मंगल शुक्र की अद्भुत युति भी बनेगी। तो इस महीने कौन कौन से बड़े बड़े गोचर हो रहे हैं, कौन से राशि परिवर्तन हो रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन सा ग्रह अपनी चाल में बदलाव करेगा, जिसके चलते ये पूरा का पूरा महीना खासकर मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा, इस महीने हमेशा की तरह आपकी हेल्थ वेल्थ पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कितने परिवर्तन आएंगे, ये आज हम जानेंगे मयंक जी से। आइए फटाफट मयंक जी से जान लेते हैं आपकी ग्रह चाल के बारे में। बताइए मयंक जी। देखिए मेष राशि वालों, अगर आपकी ग्रह की स्थिति है तो लग्न में बृहस्पति और राहु का चांडाल दोष जो है अभी भी बरकरार रहेगा और दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। तीसरे भाव में सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग है, मिथुन राशि में बहुत ही सुंदर। चतुर्थ भाव में शुक्र विराजमान है अभी और पंचम भाव में मंगल है। देखिए मंगल की प्लेसमेंट चेंज हो गई है। मंगल जो है 1 तारीख की रात को 2:30 बजे यहाँ पर सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं और शुक्र जो है 6 तारीख को 6 जुलाई को कर्क राशि से निकलकर मंगल के साथ आ जाएंगे। यानी कि एक बार फिर कविता जी मंगल और शुक्र की युति हो जाएगी 6 जुलाई से और संपूर्ण मास जुलाई में रहेगी। इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। पहले ग्रह गति बता दें, 6ठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, 7वें भाव में केतु है, 8वें भाव में देखिए चंद्रमा है। चंद्रमा माह की शुरुआत में वृश्चिक राशि में आपके आके बैठ गया है, नीच का होकर बैठा है। 9वें 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। 11वें भाव में शनि जो है वक्री अवस्था में आ चुके हैं, यानी कि शनि जो है उल्टी चाल चलेंगे अब 4 नवंबर तक। और 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। तो ये ग्रह स्थिति मेष राशि वालों की जुलाई मास में बनती हुई नजर आ रही है। इसके मद्देनजर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, ये अब आपको विस्तार से बताएंगे एक एक चीजों को लेकर। बिल्कुल, तो आइए विस्तार से मैं जी से जानेंगे, लेकिन फटाफट से जानेंगे, सबसे पहले बात हो जाए आपकी सेहत को लेकर। देखिए सेहत की बात करें तो इस महीने मेष राशि वालों सेहत की स्थिति आपके लिए थोड़ी सी मिली जुली रहती हुई नजर आ रही है। और अगर ग्रह गोचर देखें तो सेहत में थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव की समस्या ज्यादा रह सकती है जी। या गले छाती के विकार थोड़ा सा परेशान करेंगे। जिन लोगों को इस तरह की समस्या है उनके साथ ही दिक्कत रहेगी, बाकी कोई ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। आपको स्ट्रेस से बचना है क्योंकि वर्कलोड इस महीने काफ़ी रहेगा, जिसके चलते भागदौड़ बनी रहेगी। तो ऐसे में तनावग्रस्त होना, शारीरिक रूप से थकावट होना ये संभव है। तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखें और नज़ला जुकाम खांसी ये भी थोड़ा सा इस समय बढ़ सकती है, यानी कि एलर्जी भी बढ़ेगी आपकी। चलिए मैं जी ये बात की आपकी इनकी सेहत को लेकर, अब आगे बढ़ते जान लेते कि रिश्तों को लेकर कि संबंधों में इस बार इनके कैसा रहेगा, कितनी मिठास बढ़ेगी, प्रेम प्रसंग वैवाहिक जीवन इस महीने का क्या कहता है। देखिए अगर इनके लव रिलेशनशिप की बात करें तो इस महीने जो पंचम भाव में मंगल आ गए हैं और शुक्र भी इनके मंगल के साथ आके बैठेंगे तो प्रेम संबंध की स्थिति जो है इस महीने काफ़ी अच्छी रहती हुई नज़र आ रही है। यानी कि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या थी लव रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में तो वो दूर होगी। मंगल शुक्र पंचम भाव में आएंगे तो आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आ जाएगी, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। तो किसी तरह की कोई परेशानी ना तो आपके प्रेम संबंधों में रहेगी ना वैवाहिक जीवन इस महीने रहेगी। कुल मिला के ये महीना आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर, विद्यार्थियों के लिए जुलाई कैसे बीतेगी। देखिए स्टूडेंट्स के लिए जुलाई का महीना काफी अच्छा रहेगा। लग्न में गुरु है, गुरु की दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ रही है, यहाँ मंगल भी है। शिक्षा परीक्षा के क्षेत्र में अच्छा रहेगा। जिन छात्रों के इस महीने एग्जाम्स हैं या कोई टेस्ट हैं या कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई परीक्षा है तो उनको अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन लगन में राहु जो है वो कभी कभी ध्यान भटकाता भी है, तो इसलिए
आपका जो है पढ़ाई पर पूरा फोकस होना चाहिए। बाहर जाने की सोच रहे तो कोई कोई परेशानी आपको लगता है आएगी? कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अब जान लेते हैं आपका कार्य क्षेत्र क्या कहता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, वर्क फ्रंट, जहां आप काम करते हैं, क्योंकि कर्म से इंसान की पहचान है। तो आइए जान लेते हैं कि इस बार कितनी तरक्की की राह आपको दिखेगी। देखिए, वर्क फ्रंट की बात करें तो काम कारोबार के लिए स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। ये महीना सूर्य का गोचर और चंद्रमा का गोचर आपके काम कारोबार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। जो लोग नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, तो इसलिए बहुत बढ़िया समय है। मेहनत कीजिए, मेहनत का पूर्ण लाभ भी आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी चल रही है तो वो भी अब धीरे धीरे दूर होती भी नजर आ रही है। तो कुल मिला के एक अच्छा महीना आपके लिए अभी तक ये साबित हो रहा है। और यही तरक्की आपके बैंक बैलेंस को कितना बढ़ाएगी ये भी जान लेते हैं। देखिए, अगर बैंक बैलेंस की बात करें तो आर्थिक पक्ष काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र चतुर्थ में है तो भी बढ़िया, पंचम में है तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि जो है लाभ स्थान पर पड़ेगी, धन लाभ अच्छा होगा, और धन का कारक है आपकी कुंडली में शुक्र। लगन में गुरु भी है तो भी कार्य व्यवसाय में अच्छी तरक्की देंगे, क्योंकि सप्तम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर डाल रहे हैं जी। शनि लाभ स्थान में भले ही वक्री अवस्था में हो लेकिन धन लाभ अच्छा होगा। तो मेष राशि वालों के लिए समय जो है काफ़ी बढ़िया है, आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी, धन संचय के भी योग बन रहे हैं। मैं जी, इस दौरान अगर जमीन जायदाद कुछ लेना चाहते हैं, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट ये करने की सोच रहे हैं मेष राशि वाले जातक, तो जुलाई में क्या इन्हें करना चाहिए? देखिए, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेना है, घर लेना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और इस समय अगर आप कार भी लेने का प्लान कर रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, बहुत से लोग घर बुक कराना चाहते हैं, तो बढ़िया समय है। चलिए, अब तक हमने आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, इन तमाम पहलू पर बात की, और अब चलते हैं उपायों पर। नहीं, उपायों से पहले मुझे एकदम भाग्य प्रतिशत लेते हैं कि इस महीने भाग्य कितना साथ देगा आपके कर्म के साथ। देखिए, भाग्य प्रतिशत बहुत बढ़िया है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है अब नियमित रूप से भाग्य स्थान पर पड़ेगी और पूरे माह यही दृष्टि बनी रहेगी, तो भाग्य आपका बहुत अच्छा है। आप मेहनत कीजिए, 90-95% आपका भाग्य साथ देता हुआ नजर आ रहा है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। उपायों के तौर पर क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर इस महीने आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि राहु का उपाय करें, और आपको मानसिक तनाव से बचना है, क्योंकि यही एक सबसे कमजोर पहलू आपका है, स्वास्थ्य का ही सबसे कमजोर पहलू नजर आ रहा है। तो राहु को शांत करने के लिए आप क्या करें, बुधवार के दिन कहना चाहिए काले तिल और काले चने का दान करें, बहते जल में नारियल प्रवाहित करें, साथ में 5 बादाम भी कर दें तो विशेष लाभ मिलेगा, और गणेश जी की आराधना करें, भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा, और सभी तरह के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये थे मिस्टर महेश शर्मा जी, जिनसे मैंने जाना कि जुलाई का ये महीना मेष राशि, मेष लगन वाले लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। जाते जाते ये जान लेते हैं कि क्या करें क्या नहीं। देखिए, इस महीने आपको क्या करना है, सेहत का ध्यान रखना है, भाग दौड़ बहुत रहेगी, अगर यात्रा पे भी रहेंगे तो खान पान में संयम बरतें, बाहर का खाना जंक फूड इत्यादि ना खाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि ये महीना सेहत के हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो बाकी कोई ज्यादा ऐसी परेशानी नहीं रहेगी। और शुक्र मंगल की जो युति इनके पंचम भाव में बन रही है, ये आपके काम कारोबार प्रेम संबंधों को बढ़ाएगी, सुख साधन भी बढ़ेंगे 6 जुलाई के बाद से जी। और आपका समय जो है और भी बेहतर होता चला जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।